Hola, Fifa, welcome to the Our Darkness Simpy. Who is Latrix? अच्छा हमको सिखा रहा है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। कुछ देर बाद मुझे लैट्रिक्स का आता है डीएम। आई एम द लैट्रिक्स इन आई एम इन डार्कनेस एमपी। आई एम द मिस्ट्री। आई एम द टेकन द ड्रैगन एग फ्रॉम इन डार्कनेस एमपी। आई विल गिव यू सम टास्क्स, यस और नो। टाइम ओनली 3 डेज टू फाइंड मी और फॉर टेकिंग अंडर ड्रैगन अंडा एंड वो नॉट स्मार्टिका। फिर वाई यू डन दिस, मैंने ऐसा पूछा। तो फिर वो मुझसे थोड़ी देर बाद एस एम पी का वो मांगता है तो मैं देता हूँ, पर पता नहीं उसकी वजह से क्या नहीं जाता। फिर मैं उसको हाँ बोल देता हूँ तो उसने लिखा ओके नाइस चॉइस, गो एक्सपोर्ट, देयर इज अ रेड स्टोन ब्लॉक प्लस साइन। क्या कैसे आपको मेरी भोली शक्ल देख के लग रही कि मैं उस कोऑर्डिनेट्स पे गया हूँ? हाँ मैं गया उस कोऑर्डिनेट्स पे। शाबाश। तो गाइस मुझे फाइनली लैट्रिक्स का एक डीएम आया जिसमें मुझे उसने बोला स्पॉन पे जाने के लिए, उधर एक होगा रेडस्टोन का, तो मैं उधर स्पॉन पे जा रहा हूँ। एंड चलो फटाफट चलते हैं और यहाँ से। पता नहीं मेरा आज मोबाइल लैग क्यों मर रहा है इतना, पता नहीं लैट्रिक्स के डर से लग रहा है या कित क्या हो रहा है पता नहीं। बाय द वे आप पिछली वाली वीडियो में आपने देखा कि मैंने नेदरराइट आर्मर बनाया अपना एंड एक बैकअप आर्मर बनाया था। एंड अब बारी है हमको स्पॉन पे जाने की। तो गाइस मैं फाइनली अभी स्पॉन पे आ चुका हूँ एंड आने ही वाला हूँ। चलो बस फाइनली मैं आ चुका हूँ अभी स्पॉन पर। अभी रात हो रहा है, फटाफट वो एरिया ढूंढते हो जो उसने मुझे बोला है। अरे इधर ये दोनों काई फाइट कर रहे हैं। अच्छा बेटे तेरे सिस्टम काटती है बेटे, लेट्स गो। तो कैसे अब चलो फटाफट ढूंढते हैं यहाँ से। वेट कुछ दिखा? ओ शिट 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 शिट, ये क्या है उसने जो बोला सच में? अरे सर्वर तो वाइट लिस्ट है भाई, इसको कैसे मिला? ये सब लगता है कोई एस एम पी का ही बंदा है। चलो खोलते अपना जो काम बोला उसने, पायलैट्रिक्स ओरिजिनल। ओके ये सारे बुक्स चक लेते हैं एंड देखते हैं क्या है इस बुक के अंदर। फटाफट रीड करना पड़ेगा। 300। अरे क्या यार मैं भी हटा दे रहा हूँ। चलो फिर से देखते हैं टास्क कौन लिखा हुआ है। उसने मेरे को टास्क दिया है पहला एंड 300 100 -300, गो एट दिस कोऑर्डिनेट लैट्रिक्स टू फाइंड मी एंड टेक आउट स्टफ फ्रॉम चेस्ट। ओके लेट्स गो। सो गाइस अभी हम पोस्टपोन करते हैं अभी इस टास्क को, हम बाद में दूसरा टास्क करते हैं। अभी चलते हैं सेकेंड टास्क। एसएमपी में सारे बिल्ड्स टूट चुके थे। सोया अब क्या था? रियली
फंटास्टिक यू आर ट्राइंग टू यू डोंट नो आई थिंक व्हाट आई कैन डू विथ यू लेट्स सी I don't have anything. Let's fight with them. Shit, bro, let's go. Kill him, Pantat. Tu to gaya beat humse. Oh shit. No. I think I gone. I leave. Ash, finally. वो गाइस मुझसे तो बच चुका था, यहाँ पे फिर से फंटाटिक आया है, पता नहीं कौन है। अब मैं तैयारी कर चुका हूँ उसको मार लेके, तो मैं मार के रहेगा। अभी पॉट्स वॉट सब रेडी करके आया है। बीस्ट किलर, हेलो बीस्ट किलर, यू कैन गॉन फ्रॉम मी। अरे यार ये क्या होता है, लीव कर दिया है, ऐसा थोड़ी आता कम बैक लोग करते हैं। चलो कोई ना, चलेगा। गाइस अभी अपन को स्पॉन पे बहुत सारे बिल्ड्स भी बनाने थे, एंड क्या कर सकते हैं आप। तो गाइस मेरे बेस जाते जाते मुझे मिला था एक जंगल टेंपल, तो मैं जाता हूँ इसको लूटने की ट्राई करता हूँ। सो मैं अंदर जाता हूँ, बहुत अंधेरा रहता है, बट मुझे रास्ता पता था, मैं लूटने जाता हूँ और देखो मुझे चेस्ट में क्या मिलता है। कुछ नहीं, क्योंकि ये पहले जाकर किसी ने लूट लिया था। एंड अब क्या, फिर चलते हैं अपने बेस की तरफ को। ओह शिट, व्हाट इज दिस गाइस, आवर बेस हैड बीन डिस्ट्रॉयड। शिट ब्रो, हाउ इज दिस पॉसिबल। अब मैं नहीं छोड़ने वाला, जो भी आएगा मेरे साथ।
इट्स टाइम टू बिकम इग्नियस। हमारे रेसिपी में स्पॉन टूट चुका है, बिल्ड्स टूट चुका है, मेरा सीक्रेट बेस भी टूट चुका है। टास्क 3 में मुझे करना स्मार्टी पाई को बिट्रे, जो कि मुझे एपीएल ने बोला उसने मुझे स्टफ दिए हेल्प की, इसलिए सो यार चलते हैं। मुझे बीटेक करने का नतीजा देख लिया, मैं स्मार्टी को कभी भी बीटेक नहीं कर सकता, मैंने उससे बस एक फेक रिकॉर्डिंग निकलवाई ताकि मैं इससे स्टफ के बदले वो कर सकूं, बट अब इसको मैं नहीं छोड़ने वाला, मैं इसको बहुत बार मारूंगा, आप तुम देखो बस। फाइनली एपीएल को 5 से 6 बार मारने के बाद मुझे उसका सारा स्टफ मिल चुका था, उसके 5 से 6 हार्ट्स मिल चुके थे, एंड मैं स्मार्टी को बस फेक रिकॉर्डिंग करवा रहा था, बट मैंने उसको मैंने स्मार्टी को बोला नहीं कि मेरे को एक फेक रिकॉर्डिंग चाहिए एपीएल के खिलाफ के लिए, बट कोई ना मैंने मार दिया, अभी मैंने सबका रिवेंज लेना है मुझे, अब मैं देख लो अब मैं क्या करने वाला एस एम पी के अंदर, एंड शायद से ये जर्नी अब जल्दी ही एंड होने वाली है मेरी, कि आई थिंक आई एम लिविंग।